दुनिया बोले नमस्ते। दुनिया इस दुविधा में है कि कोरोना से कैसे बचा जाए। सबसे कारगर उपाय है हाथ मिलाने से परहेज, और ऐसे में दुनिया को नमस्ते कहना ज्यादा कारगर लग रहा है। खतरा चाहे कितना भी बड़ा हो, हर मर्ज का इलाज भारत के पास, क्योंकि हिंदुस्तान की हर परंपरा में विज्ञान है, इसलिए भारत महान है। महामारी बन चुके कोरोना वायरस का डर अब दुनिया भर के बड़े नेताओं को भी सताने लगा है। लोग अब हाथ मिलाने से बच रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना से लोग काफी डरे हुए हैं। लोगों ने अब अभिवादन के नए नए तरीके अपनाने शुरू कर दिए हैं। इनमें से एक है नमस्ते। अब लोग कोरोना के डर से हैंडशेक की बजाय नमस्ते कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हो गए हैं जो अब हेलो या हैंडशेक की जगह नमस्ते को तरजीह दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन की यात्रा पर आए आयरलैंड के प्रधानमंत्री से हाथ नहीं मिलाया, बल्कि भारतीय परंपरा के मुताबिक नमस्ते कहकर उनका अभिवादन किया। इस पर ट्रंप का कहना है कि हाल ही में भारत से लौटा हूं और मैंने वहां पर किसी से हाथ नहीं मिलाया, क्योंकि ये आसान था और वहां पर ऐसा होता ही है। ट्रंप का कहना है कि कोरोना के चलते ये बेहद जरूरी है। बता दें कि जन औषधि दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने कोरोना वायरस के मुद्दे पर बात की थी। पीएम ने कहा था, पूरी दुनिया नमस्ते की आदत डाल रही है, अगर किसी कारण से हमने ये आदत छोड़ दी है तो हाथ मिलाने की बजाय इस आदत को फिर से डालने का ये सही समय है। कोरोना के डर के बीच ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने हैंडशेक की जगह भारतीय परंपरा नमस्ते के साथ करने का फैसला किया। पेरिस स्थित एलिसी पैलेस में मैक्रों ने हाथ जोड़कर नमस्ते के साथ स्पेन के किंग फिलिप और रानी का अभिवादन किया। मैक्रों और ट्रंप से पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी लोगों से अपील की है कि वो हाथ मिलाने की जगह नमस्ते को अपनाएं। नेतन्याहू ने कुछ दिन पहले अपने देशवासियों से अपील की थी कि वो सभी कोरोना वायरस के कहर से बचने के लिए भारत की परंपरा नमस्ते को चलन में लाएं। नेतन्याहू से अलग पिछले दिनों ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने लंदन में आयोजित एक कॉमनवेल्थ इवेंट में लोगों का अभिवादन नमस्ते से किया। इसके साथ ही यूरोप की पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज ने लोगों से अपील की है कि वो सभी हैंडशेक से बचें ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके। HS न्यूज के लिए प्रीति चौहान की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।